हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेवन टाइप ऑफ पर्सनस होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइप क्या था इंडिविजुअल तो आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस बस इंडिविजुअल का पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी सारे पर्सनस का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड तो या तो कोई पर्सन रेजिडेंट होगा आई मीन या तो कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है नॉन रेजिडेंट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में एन बोलते हैं ना नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया में नहीं रह रहा हो उसको हम एन बोलते हैं तो या तो कोई पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है अच्छा एक चीज़ और रेजिडेंट को ना सिटीजनशिप से नहीं कंफ्यूज करना है सिटीज़नशिप या नागरिकता दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास कौन सी कंट्री की सिटीज़नशिप है रेजिडेंट मींस आप निवास कहाँ करते हैं आपका रेजिडेंस कहाँ पे है ठीक है अक्षय कुमार की सिटीज़नशिप कनाडा की है लेकिन रहते कहाँ हैं रहते तो इंडिया में है ना तो रेजिडेंट इंडिया के हो गए ठीक है तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है इन दोनों चीज़ों को हम बात कर रहे हैं क्या रेजिडेंशियल स्टेटस की ना कि सिटीजनशिप की तो या तो कोई पर्सन रेजिडेंट होगा या तो कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा रेजिडेंट भी दो टाइप के होते हैं या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं ठीक है ऑब्वियसली बात है अगर आप ज़्यादा दिन इंडिया में रह रहे हैं तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा कम दिन इंडिया में रह रहे हैं तो आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दिया बोल बोल दिया जाएगा और अगर आप और कम दिन इंडिया में स्टे करते हैं इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज अ एन या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है इसके लिए कंडीशन दी गई हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सबसे पहले हम कंडीशंस पढ़ेंगे बेसिक कंडीशन रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस हैं दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम उस पर्सन को क्या कंसीडर करते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया पहली कंडीशन देखिए क्या है पहली कंडीशन कह रही है स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी तो प्रीवियस ईयर में कोई पर्सन कम से कम 182 डेज अगर इंडिया में स्टे किया हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है अच्छा अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले साल ठीक है पिछले साल कोई पर्सन 60 डेज इंडिया में रहा हो मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फोर ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर पिछले साल 60 डेज रहा हो और उसके पिछले के चार साल में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहा हो ठीक है पहली कंडीशन क्या आती लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में 182 डेज किसी ने इंडिया में स्टे किया हो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम सेकेंड कंडीशन पे आएंगे सेकेंड कंडीशन क्या कहती है प्रीवियस ईयर में किसी पर्सन ने 60 डेज इंडिया में स्टे किया हो और प्रीवियस ईयर के पहले के चार सालों में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रेजिडेंट रहा हो वो ठीक है दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है ना यहाँ पे और लगा है एंड नहीं है इसको ध्यान दीजिएगा दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है ना तो हम उस इंडिविजुअल को क्या मानेंगे रेजिडेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा दो बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं पीरियड ऑफ स्टे मे बी कॉन्टिन्यू मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूअसली थ्री सिक्सटी फाइव डेज रहा हो या कॉन्टिन्यूसली वन एटी टू डेज रहा हो एक महीने आया दो महीने के लिए चला गया फिर चार महीने के लिए इंडिया में कोई आया तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे ठीक है पीरियड ऑफ स्टे ऐसा नहीं है कि लगातार इंडिया में रहा हो सेकेंड पॉइंट क्या है डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल बोथ शाल बी कंसिडर्ड फॉर द स्टे इन इंडिया मतलब जिस दिन आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और जिस दिन आप इंडिया वापस आ रहे हो दोनों ही दिन को हम काउंट करेंगे आपके स्टे में ठीक है इतनी बातें क्लियर हो गई अब ये जो सिक्सटी डेज वाला रूल है ना इसके लिए कुछ एक्सेप्शन हैं दो केसेज हैं जिसमें हम इस सिक्सटी डेज वाले रूल को कंसिडर ही नहीं करते और सिर्फ वन टू डेज वाले रूल को ही मानते हैं ठीक है तो ये एक्सेप्शन क्या है इसको देखते हैं पहला एक्सेप्शन है आपका इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लॉयमेंट और लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप अगर कोई इंडिया का सिटीजन है जो इंप्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है या कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ ए इंडियनशिप किसी इंडियनशिप का कोई क्रू मेंबर है और इंडिया से बाहर जा रहा है तो इस केस में क्या होगा हम उसको रेजिडेंट तभी मानेंगे जब उसने प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ इंडिया में स्टे किया हो इसके लिए वो 60 डेज़ की कंडीशन वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है चेक ओनली 182 डेज़ ठीक है सेकेंड कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन औरिजन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ आउट इंडियन ओरिजिन है कोई इज़ कमिंग टू इंडिया ऑन अ विज़िट अगर इंडिया के बाहर से आ रहा है तो उसके लिए भी सिक्सटी डेज वाली कंडीशन नहीं मानी जाएगी और सिर्फ वन एटी टू डेज वाली कंडीशन मानी जाएगी अच्छा पर्सन ऑफ इंडियन औरिजिन का क्या मतलब है कि या तो उस इंडिविजुअल की बर्थ या तो उसके पेरेंट्स की बर्थ और या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुई हो अनडिवाइडेड इंडिया एज इन नाइनटीन फोर्टी सेवन के पहले मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें अगर उसकी खुद की बर्थ हुई हो या तो उनके पेरेंट की या तो उनके ग्रैंड पेरेंट की बर्थ हुई हो तो उनको क्या बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ठीक है अच्छा ये तो बात हो गई हमारी किसकी रेजिडेंट और एन की ठीक है स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि या तो कोई पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस थी वो हमने देख ली हैं दोनों में से कोई एक पूरी हो जाएगी तो हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे दोनों ही नहीं पूरी होंगी तो हम उसे एनआरआई मान लेंगे अब वो रेजिडेंट तो हो गया मान लेते हैं दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इसके लिए एडिशनल कंडीशंस दी गई हैं एडिशनल कंडीशंस क्या हैं पहली कंडीशन है रेजिडेंट इन एनी टू आउट ऑफ टेन ईयर्स प्रसीडिंग द प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के दस साल में से कम से कम दो साल वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट रहा हो ठीक है प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के दस सालों में कम से कम दो साल वो पर्सन रेजिडेंट रहा हो और रेजिडेंट होने का मतलब अब हमें पता है यह पहली कंडीशन है दूसरी कंडीशन क्या है स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन द लास्ट सेवन ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर के पहले के सेवन ईयर्स में कम से कम वो पर्सन सेवन थर्टी डेज में इंडिया रहा हो ठीक है सेवन थर्टी डेज इंडिया में रहा हो ठीक ये दो कंडीशन हैं पहली कंडीशन है आपकी प्रीवियस ईयर के पहले के टेन ईयर्स में एटलीस्ट टू ईयर्स इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और नेक्स्ट कंडीशन क्या है प्रीवियस ईयर के पहले के सात सालों में कम से कम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए और बीच में ये एंड लगा है पहले और लगा था यहाँ पे एंड लगा है व्हाट डज दैट मीन कि ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होना मैंडेटरी है अगर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होती है तो हम एडिशनल कंडीशंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे ठीक है क्या लिखा है एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब हम उस इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे अदरवाइज क्या हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ठीक है इति बातें क्लियर हो गई हैं नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो द अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 2020 में जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड एक बहुत मेजर अमेंडमेंट था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा ठीक है ये क्या बोल रहे हैं पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इफ़ इट इज़ 182 एटी टू डेज़ और मोर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं बेसिक कंडीशन में कि अगर कोई पर्सन 182 एटी टू डेज या उससे ज़्यादा स्टे करता है इंडिया में विदाउट एनी इफ एंड बट उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे कोई इसमें फर्दर आर्ग्यूमेंट का स्कोप नहीं है हु? लेकिन अगर वो पर्सन 182 डेज से कम है तो हम क्या चेक करेंगे चलो 182 से 182 डेज से तो कम आपने स्टे किया बट आप क्या वन डेज के लिए थे कंट्री में ये देखेंगे ठीक है तो अगर कोई पर्सन वन वन डेज और मोर रहा है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है अगर 120 डेज भी आप कंट्री में नहीं थे इंडिया में नहीं थे तो हम आपको सीधे सीधे नॉन रेजिडेंट या एनआरआई कंसीडर कर लेंगे ठीक है अगर आप वन ट्वेंटी डेज भी नहीं थे तो आपको एन आर आई कंसिडर कर लेंगे और अगर आप वन ट्वेंटी डेज थे इंडिया में इन दैट केस हम क्या देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन या तो आप इंडियन सिटीजन हो या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो ठीक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर इंडियन सिटीजन हो और आपकी इंडियन इनकम फिफ्टीन लाख ,00 से ऊपर होनी चाहिए ठीक है इंडियन इनकम लिखा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई फॉरेन सोर्सेज की इनकम है ना उसको यहाँ कंसिडर नहीं करते हम यहाँ पे सिर्फ इंडियन इनकम की बात कर रहे हैं तो अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है और या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम फिफ्टीन लाख से एक्सीड कर रही है इंडियन इनकम तो उसको क्या बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखिए ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन ये एक अमेंडमेंट आया था ये गवर्नमेंट ने किया था अपना टैक्स बेस थोड़ा सा वाइडन करने के लिए ठीक है कि ज़्यादा लोगों से ज़्यादा टैक्स ले सकें तो ये इसके लिए आया था तो अमेंडमेंट है हमें पता होना चाहिए एक बार फिर से देख लेते हैं वन एटी टू डेज़ के ज़्यादा स्टे किया है हमें पता है रेजिडेंट होते हैं अगर वन ऐटी टू डेज़ से कम स्टे किया है किसी ने तो हम क्या नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे एटलीस्ट क्या वन ट्वेंटी डेज़ स्टे किया है किसी ने अगर वन ट्वेंटी डेज भी स्टे नहीं किया तब तो वो सीधे सीधे एन आर आई या नॉन रेजिडेंट हो गया अगर वन ट्वेंटी डेज़ और मोर एटलीस्ट वन ट्वेंटी डेज से ऊपर स्टे किया है तो हम देखेंगे कि क्या वो इंडियन सिटीज़न है या क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इफ़ यस yes, तो क्या उनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है इफ़ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो हम उसे क्या बोल देंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ठीक है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसको हम डीम्ड रेजिडेंट भी बोलते हैं ठीक है डीम्ड रेजिडेंट माना हुआ रेजिडेंट ठीक है और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिसफाई नहीं होती है ना तो हम उसको फिर एन मान लेंगे ठीक है अच्छा तो इतनी बात थी रेजिडेंशियल स्टेटस की अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एन आर आई तीनों से टैक्सीबिलिटी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है जो एन आर आई होगा ऑब्वियसली हम उस पर कम टैक्स लगाएंगे ऑर्डनरी रेजिडेंट पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम टैक्स लगाएंगे ठीक है तो ये इन पर कितना टैक्स लगता है इन पर कौन सा टैक्स लगता है इन पर कौन सा टैक्स नहीं लगता है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड ऑल्सो विल डू अभी तो हमने क्या किया है बस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल ये सिर्फ इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट क्लास में हम फर्म एच यू एफ़ और कंपनी और बाकी पर्सनस का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे ओके okay? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू